गोरखपुर मॉडल के बारे में चर्चा, पीएमओ और उत्तर प्रदेश शासन सहित कई राज्य सरकारों ने इसकी सराहना करते हुए उसे लागू किया। एसडीएम सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में बना यह मॉडल क्या है, इसकी उत्सुकता सभी को है, तो पेश है यह डॉक्यूमेंट्री जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था तो डीएम सर के साथ मिलकर हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया था कि कैसे इसको हम इन्फोर्स करें कि हमें दुकान ना खोलनी पड़े, कोई भी शॉप्स खोलनी ना पड़े, लेकिन साथ के साथ सारा सामान लोगों के घरों तक जाए। जो बड़े प्लेयर थे जैसे बिग बास्केट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारे बंद हो गए थे क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। तो क्यों ना हम ऐसा कोई मॉडल अपनाएं लोकल लेवल पे कि एक ऐप या पोर्टल के माध्यम डेवलप करें जो कि लोगों तक, घरों तक सारा सामान पहुंचाएगा। पूरे गोरखपुर को हमने 8 ज्योग्राफिकल जोन में डिवाइड किया, जैसे बरगदवा, गोलघर, तारामंडल, राप्ती नगर, और उस जोन में जितनी भी किराना शॉप्स थी, जितनी भी मेडिकल की शॉप्स थी, जितनी भी फल और सब्जी के वेंडर्स थे, मिल्क पार्लर थे, सबकी हमने लिस्ट बना ली। हमारे लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार के माध्यम से जब अनाउंस हुआ था लॉकडाउन, उसके 3 दिन तक 18-18, 20-20 घंटे उन्होंने काम किया और पूरा लिस्ट प्रिपेयर किया। शॉप्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, शॉप ए और शॉप बी। शॉप ए वो शॉप्स थी जो बड़ी शॉप्स थी, जहां से हम जो भी हम ऑनलाइन पोर्टल बनाते उनको बैकएंड में लिंक कर देते, और शॉप्स बी वो थी जो छोटी छोटी शॉप्स थी जो गली और मोहल्ले में होती थी, जो वहां फोन के माध्यम से कोई व्यक्ति ऑर्डर कर सकता है। हमने जो हमारा तहसील सदर का फेसबुक पेज बनाया है उसके माध्यम से लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति आगे आना चाहता है, हमारा ऑनलाइन पोर्टल बनवाना चाहता है तो हमारी मदद कर सकते हैं। तो 2 व्यक्ति आगे आए ऑनलाइन फूड्स वाले, उन्होंने बोला कि सर हम आपका बनाएंगे। जो भी शॉप्स हमने आइडेंटिफाई की थी 8 जोन में, उन सबको से लिंक कराया। साथ के साथ जो बड़ी मंडी है हमारी, जैसे साहबगंज मंडी है, गल्ला मंडी है, महेवा मंडी है, फल और सब्जियों की मंडी है, उसके साथ भी हमने लिंकअप कराया ताकि कोई भी अगर ऑर्डर आए तो उसको तुरंत आप फुलफिल कर पाए। और धीरे धीरे करके एक पोर्टल से हम 9 और 10 पोर्टल पे आ चुके थे। गोरखपुर वासियों को मेरा प्रणाम। आप लोग साथ दिए इसलिए ये स्थिति नियंत्रण पे है, लगभग 0 केसेस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए जो जिला प्रशासन ने आपको पूरा सप्लाई चेन का ये ढांचा खड़ा कर रखा है, आपको जो चीज रोजमर्रा का चीज है, सब्जी चाहिए, अनाज चाहिए और जो भी दवा चाहिए, जो भी चाहिए, आप ऑनलाइन के जरिए से आराम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसका हम लोग धाराएं बढ़ाते जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी आ जाता है ताकि गर्मी का मौसम है, गर्मी भी बढ़ रहा है, इसलिए पंखा इत्यादि बाकी जो जरूरतमंद की सबकी चीज है वो बढ़ती जाएगा आपके लिए। 10 वेबसाइट हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है, इससे इस्तेमाल करें, आपको जो भी चीज चाहिए 1 घंटे 1 घंटे के अंदर घर बैठे आपको मिल जाएगा। ये सारे सुविधा आपके लिए है, आप घर से बाहर ना निकलने के लिए जो चीज आपको चाहिए वो आपको घर बैठे हम व्यवस्था करा लेंगे, उसका पूरा प्रशासन आपके साथ दे रही है, आप हमें साथ दें ताकि तब मिलके कोरोना को लड़ सके। एक चीज हमने और इनिशिएट किया था कि डिजिटल पेमेंट को हमने इंक्रीज किया था। हमारे जितने भी ऑर्डर हुए फेज 1 में, लगभग 80% ऑर्डर उसमें से डिजिटली पेमेंट के द्वारा किए गए। दूसरा, जिस रेट पर आप लोग पब्लिक को देंगे वो रेट जिला प्रशासन के द्वारा तय किया जाएगा। हर 50 शॉप्स पे एक लेखपाल को हमने बिठाया था, उसका काम यह था कि फॉल्स कस्टमर बन के सुबह शाम दोपहर वो फोन करते थे शॉप्स से, पूछते थे कि क्या वो डिलीवरी कर पा रही हैं, क्या कोई ओवर प्राइसिंग की शिकायत तो नहीं है, क्या कोई अन्य इशू तो नहीं आ रहा है। तो हर शाम को वो लिस्ट अपडेट होती थी और तहसील सदर फेसबुक पेज पे उसको हम अपलोड करते थे। तो उससे हुआ क्या कि केवल लिस्ट में वही शॉप रही जो वास्तव में डिलीवर कर पा रही थी और वास्तव में वो लोग उनसे ऑनलाइन पोर्टल से लिंक थी। दोनों के लिए बड़ा विन-विन सिचुएशन रहा। किराना शॉप्स जो थी, जितनी भी शॉप्स थी, उनको हमने कस्टमर लाके दिए, पूरे गोरखपुर को हमने इंटीग्रेट किया। हमने उनको बोला कि आप अपनी शॉप्स मत खोलिए लेकिन आपको कस्टमर लाके देंगे। और जो हमारी पब्लिक थी उसको हम 9 और 10 पोर्टल के जरिए ऑप्शंस दिए कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, सारा जरूरत का सामान हम आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली जब हमको पता चला कि जिला प्रशासन द्वारा एक अनोखी पहल चलनी स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन डिलीवरी की, तो हम लोगों ने एक ऐप जिला प्रशासन के द्वारा जब परमिट दिया गया तो एक ऐप स्टार्ट किया, और ऐप के द्वारा ये सब जितनी भी होम डिलीवरियां हैं हम इस प्रकार करते हैं, जैसे आपके पास ये ऐप होना जरूरी है जिसके माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। फेज 1 के दौरान लगभग 2 लाख से अधिक ऑर्डर आए, प्रत्येक दिन 20 से 25 हजार ऑर्डर हुए, कोई भी पैनिक नहीं हुआ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बड़ा स्मूथ रहा। जब फेज 1 खत्म हो गया, जब फेज 2 अनाउंस हुआ तो नई दूसरी तरह की डिमांड आने लगी कि सर स्टेशनरी चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कैश चाहिए और बेबी केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, अन्य सामान चाहिए। तो हमने लॉकडाउन फेज 2 में ये सारी चीजें भी लाई।
तो हमने 3-4 पोर्टल और लॉन्च किए जो स्टेशनरी को पहुंचा रहे थे, मेडिसिन को पहुंचा रहे थे, अभी भी पहुंचा रहे हैं, और खासतौर पर कैश की भी हमने सी सुविधा मुहैया कराई। मैम ऐसे मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक आध घंटे के अंदर सारा सामान जो है हम लोग का मुहैया हो जाते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे ग्रोसरी हो, हम लोगों को जो है 1-2 घंटे के अंदर बहुत ही आसानी से डिलीवर हो जाता है। तो इसका बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन हुआ हर लेवल पे, मतलब कई सारे स्टेट्स ने, कई सारे डिस्ट्रिक्ट ने इसको अडॉप्ट किया है। ये हर्ष का विषय है कि जनपद गोरखपुर के सदर तहसील में ऑनलाइन जो डिलीवरी है उसकी सुविधा की गई है। जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं और आवश्यक सेवाएं हैं, उन सभी की ऑनलाइन डोर स्टेप डिलीवरी की जा रही है। और ये मुझे लगता है एक बहुत अभिनव प्रयोग है जो कि सदर तहसील में गोरखपुर में किया गया है, और इसके लिए मैं SDM सदर गौरव को और जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रयोग की खबर भारत सरकार तक पहुँची और मुझे भी भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से फ़ोन आया है, और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से और भी कई जनपद प्रदेश में और देश के कई अंचल लॉकडाउन में कैसे इन व्यवस्थाओं की समुचित प्रबंध किया जाए सीख रहे होंगे। धन्यवाद। अब हमने जो असेंशियल सर्विसेज है, जैसे गर्मी का सीजन है, पंखा, फ्रिज, कूलर, AC सबको रिपेयर कराना है, तो हमने सर्विसेज को भी ऑन डिमांड कर दिया है। तो हमने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, और जितने भी हमारे 8 जोन हैं जो गोरखपुर के, उन सब के मैकेनिकियन, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन सबको मैप किया है, और हम ऑन डिमांड व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से, किसी भी एक माध्यम से वो अपनी डिमांड रख सकता है और डिलीवरी उसके घर तक पहुँचेगी बेसिकली सर्विसेज के लिए। अब जैसे अब पाक रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो रमजान स्पेशल के लिए भी हमने कई सारे आइटम्स इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इससे ये फायदा हुआ हमारा कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों को घर तक हर सारी सुविधा पहुंचाई जा रही है। गोरखपुर मॉडल जो कि स्टार्ट हुआ था असेंशियल आइटम्स से को लेकर फेज 1 में, अब गोरखपुर मॉडल अपने एक नए मुकाम पर पहुंच गया है जिसमें हर सुविधा हर घरों तक पहुंचाई जा रही है। जन सहभागिता से कोरोना के विरुद्ध जो हम जंग लड़ रहे हैं, यकीन है हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।